सबको जय मसीह की। एक हफ्ते बाद फिर से आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे हफ्ते परमेश्वर आपके संग रहा था और वो आगे भी रहेंगे, और हम सब यहाँ पे एक साथ आए हैं परमेश्वर के नाम को बढ़ाई करने, उनके नाम की अच्छाई गाने के लिए, क्योंकि वो जयवंत है। आमेन। तो आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा, उनकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो भला है और उनकी करुणा सदा सदा के लिए है। आमेन। वो हमसे प्रेम करता है, उन्होंने अपने हाथों से हमें बनाया है, उन्होंने इस संसार में जितने भी चीज़ें हैं सबका क्रिएशन परमेश्वर ने किया है। हम जब कभी छुट्टियों पे जाते हैं, तब हम जब पहाड़ों को देखते हैं तो हम सब खो जाते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है या कितना सुंदर परमेश्वर का क्रिएशन है। और आप भी परमेश्वर के क्रिएशन हैं, उन्होंने आपको भी रचा है। बाइबल कहता है कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही वो हमें जानता था, है ना। तो परमेश्वर, आइए हम सब अपने दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा गाएंगे, उसकी जय जयकार को गाएंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो जयवंत परमेश्वर है। आमेन। ओके। लाइन गाया, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डरेगा,
ये क्वेश्चन है आपसे कि आपका भरोसा किस पर है। हो सकता है कि आप बीमार हैं, हो सकता है कि आप दुख में हैं, दर्द में हैं, बट इस टाइम पे आपका ये एक प्रश्न है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा भरोसा किस पर है। अगर परमेश्वर का अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो चाहे बीमारी, चाहे गरीबी या कोई भी दुख या दर्द हो आपके जीवन में, परमेश्वर उसको बदल देगा। आपके दुखों को, आपके दर्द को वो आनंद में बदल देगा। आमेन। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके संग संग चलता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हो सकता है कि आप एज अ बेटी, एज अ बेटा, या फिर एज अ स्टूडेंट, या एक एज अ फादर, या फिर मदर, एक माता पिता, ऐसे एक, हो सकता है कि आप फेल हो रहे हो अपने रिलेशनशिप में या अपने काम में, बट लेकिन परमेश्वर तभी भी आपको चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके संग रहता है। दुनिया के लिए आप जीरो होंगे, दुनिया के लिए आप कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर तभी आपसे प्रेम करता है। वो हर दम, हर पल आपके संग रहता है, वो संग संग चलता है, वो कभी नहीं छोड़ता। कितना अद्भुत उसका प्रेम है कि उसने हमें अपनी माँ के गर्भ से आने से पहले ही उसने हमारे लिए सोच लिया, उसने हमें चुन लिया। ये हम नहीं थी जिसने उन्हें चुना, पर उन्होंने हमें चुना और उस सूली पे वो चढ़ गए सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। और हमारा सारा फेलियर, दुख, दर्द, सब कुछ जब परमेश्वर ने अपनी जान दे दी, वो सब कुछ हार चुका है। आपकी बीमारी हार चुकी है, आपकी गरीबी, आपका दर्द, सब वो फेल है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। yes, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ yes, में है। व्यवस्था विवरण के 20 के 4 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। संग संग वो चलता है हमारे। जब जब आप एक स्टेप लेते हैं, तब तब वो आपके साथ रहता है। हर एक अभी जो सांस भी आप ले रहे हैं, वो भी परमेश्वर की अनुग्रह है आपके लिए। ये इस बात को कभी ना भूले कि वो आपसे कितना प्रेम करता है और आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
मेरे डर को बदल के मुझे जीत देने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद मेरे संग संग चलने के लिए प्रभु जी। तब जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, पर आपने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, हर घड़ी हर समय मेरे साथ चलने वाले परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद क्योंकि तू योग्य का परमेश्वर है, तू अल्फा ओमेगा है, हर चीज के ऊपर आपका कंट्रोल है, इवन मेरे लाइफ में भी आपका कंट्रोल होने पाए। प्रभु से बोले कि प्रभु आप मेरे लाइफ का कंट्रोल ले लीजिए, मेरे जीवन को आप कंट्रोल करिए। जैसा एक वॉटर एक मिट्टी को शेप देके एक बर्तन बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन को बनाया है, आपको बनाया है। हो सकता है कि आप कहीं से टूटे हो या कहीं से खराब हो, लेकिन परमेश्वर आपको तभी भी उस एक बहुमूल्य बर्तन के समान आपको देखता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके संग रहता है। हम कहाँ जाए प्रभु जी, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं प्रभु। धन्यवाद आपको परमेश्वर, धन्यवाद आपको परमेश्वर। दिल की गहराई से हम दूसरे गाने को गाएंगे कि सिर्फ आप ही योग्य है परमेश्वर, सिर्फ आपके सामने हम आते हैं अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसके उपकारों को याद करें, उस दिन को याद करें कि जब आपके साथ कोई नहीं था और आपको कोई समझ नहीं पाया, तब परमेश्वर ने आपको समझा, तब परमेश्वर ने आपको अपना लिया। धन्यवाद परमेश्वर, आप कितने महान हैं, आप कितने महान हैं प्रभु। हम आपको आपके प्रेम के लिए कुछ भी रिटर्न में नहीं दे सकते हैं, पर लेकिन आज हम खड़े हैं अपने हाथों को उठा कर, अपने दिल की गहराइयों से आपको बुलाते हैं। Lord Jesus. Yeah.
आइए हम अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाएं आज की सुबह इस चिन्ह के रूप में कि परमेश्वर मेरा जीवन आपको समर्पित है और मेरे जीवन में सिर्फ एक नाम सबसे ऊंचा हो जाए और वो आपका नाम होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला लबा शिखे रे बे रे बे रे बे शंदरो बोरी खराबा ओ रिखे बे 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 शिखा रबा बा 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 शंदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला लबा शिखा रबा बा 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 शंदरो बोरी खराबा ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हो सकता है आज की सुबह हम परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं और खड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं जो अभी भी हमें परेशान करती हैं। क्यों नहीं हम परमेश्वर से कहें आज की सुबह, परमेश्वर एक नाम है, आपका नाम उन सारी परेशानियों, उन सारी चुनौतियों, उन सारी अनदेखी ताकतों के ऊपर ठहरा दिया गया है। वो नाम जिस नाम के आगे हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुक जाएगा और कहेगा तू ही जीवते परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो था, जो है और जो आ रहा है, हालेलुया। अपने लोगों को उन बादलों पर मुलाकात करने के लिए हालेलुया, हालेलुया। हो रिखा बाबा बा शांदर बोरी खराबा हो रिल्ला लबा शिखे रे बे 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 शांदर बोरी खराबा हो रिल्ला लबा शिखे रे बे 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 शिखा रबा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की सुबह ये जो गीत हमने गाया, परमेश्वर हम हाथ उठाकर गाएंगे, सिर्फ तेरा नाम रहे ऊंचा। क्या सच में ये गीत आज की सुबह हमारा अंगीकार है? क्या सच में ये गीत आज की सुबह हमारा विश्वास है? जो हमने गाया वो गाना तो आसान है, लेकिन उस बात को जीना और उसके अनुसार चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। आइए आज की सुबह एक बार फिर से जब हम इस कोरस को गाएंगे, हम अपने हाथों को उठाकर इस गीत को अपना अंगीकार, अपना विश्वास बनाएंगे, इसको अपनी प्रार्थना बनाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में आपका नाम ऊंचा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब हाथ उठाकर इस बात को एक अंगीकार के रूप में गाएंगे, हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से हम हाथ प्र
प्रभु जी आज की सुबह ये गीत हमारी प्रार्थना है, हमारा अंगीकार है, हमारा विश्वास है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या ना हो, और जिस प्रकार तेरा नबी हबकुक लिखता है, चाहे खेत खलियान में फसल हो या ना हो, उस अंजीर के वृक्ष पर फल हो या ना हो, मैं फिर भी यहोवा को धन्यवाद कहूंगा, मैं फिर भी यहोवा के नाम को ऊंचा उठाऊंगा, हालेलुया। और जिस प्रकार तेरा दास अय्यूब कहता है, ओ परमेश्वर तू ही देता है और तू ही लेता है और तेरा नाम धन्य हो, हालेलुया। आज की सुबह हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक चुनौती में, हर एक ऐसे क्षण में जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, आपका नाम ऊंचा हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं खास रीति से उनके लिए जो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है प्रभु जी, और तेरे भवन में है, हो सकता है कई ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक रूप से छुए जाने की आवश्यकता है। प्रभु जी तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, शांति की भरपूरी है, चंगाई की भरपूरी है, हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह जब तेरे लोग तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, उन्हें दे वो विश्वास के संग अपने स्थानों पर इस विश्वास के संग बैठने पाए कि परमेश्वर ने मुझे छुआ और चंगा कर दिया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत हजूरी के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच मौजूद है। सारा आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। 79 years ago 79 वर्ष पहले a child was born to a parent, a husband and wife. एक बच्चा पैदा हुआ एक पति और पत्नी के लिए. And he was born in a jungle. और उनका पैदाइश जंगल में हुआ. And when the news did not spread too far. और ये खबर जो है ज़्यादा दूर तक नहीं गया. Too many people did not know. बहुत लोग जानने नहीं पाए इस पैदाइश के विषय में. Only there and in that jungle, you know, not many homes. और उस जंगल में ज़्यादा परिवार भी नहीं थे. Only few people. कुछ ही परिवार थे. And the name of the father was Umman. और उस परिवार का नाम उम्मन था. Not parivar, father's pita ka naam. And the mother's name was Sosamma. Only Malayalis will understand that name. Aur mata ka naam Sosamma. So whoever heard this, they said, oh, Umman and Sosamma dambadigalkku oru mone kitti. Aur jinhone is khabar ko suna, unko pata chala ki उमन और सोसामा को एक बच्चा पैदा हुआ. एंड टू नो वन एल्स, और किसी और को ये खबर नहीं गया. चाइल्ड वाज बोर्न ओनली टू उमन एंड सोसामा. और ये बच्चा जो है किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उमन और सोसामा के लिए पैदा हुआ. एंड दिस बॉय ग्रू अप, और ये बच्चा बढ़ा. एंड बिफोर ही रीच्ड टू वन ईयर, और एक वर्ष होने से पहले, पेरेंट्स मूव्ड फ्रॉम दैट जंगल इनटू अ विलेज. और वो माता पिता जो है उस जंगल से एक छोटे से गांव में आ गए. एंड दैट बॉय ग्रू अप, और फिर वो बच्चा बढ़ता गया. एंड ही स्टैंडिंग बिफोर यू टुडे एंड स्पीकिंग, और आज वो बच्चा जो है आज के आपके सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा है. हालेलुया, हालेलुया. दैट वाज 79 years ago 79 वर्ष पहले. The reason I mentioned that, जिस कारण से मैंने आपको ये बात बताया है, when your parents, you know, there are many of you are parents, और यहाँ बहुत माता पिता बैठे, and you have children, आपके बच्चे हैं, and your children, I mean your child, your son, he was born to you, and that son is born to you both. और आपके बच्चे जो है जो पैदा हुए वो आप ही के लिए पैदा हुए. टू नो वन एल्स, किसी और के लिए नहीं. एम आई राइट? सही बात. एंड दैट्स व्हाट वी से, और यही बात हम कहते हैं. एंड व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट सन,
और जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, That is what people said. लोगों ने इस बात को कहा, Oh, Pastor Mathai and Mrs. Mathai got a son. कि पास्टर और मिसेस मथाई को एक बेटा पैदा हुआ है. To no one else. किसी और के लिए नहीं. Is my son. वो मेरा बेटा है. And he is the second son. और मैं दूसरा बेटा हूँ. Both of them are bigger than I am. दोनों मुझसे दिखने में बड़े हैं. But the truth is, you know, they are my children. लेकिन सच्चाई यही है कि ये मेरे बेटे हैं. And how about Jesus? लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या? When Jesus was born, जब यीशु मसीह पैदा हुए, you know who came to declare? आप जानते हैं कि कौन आया घोषणा करने के लिए? The angels from heaven. स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे आए. No earthly celebration. और कोई और सेलिब्रेशन नहीं था, उत्सव नहीं मनाया गया इस दुनिया में. There was no. But what did the angel declare? लेकिन फिर उस स्वर्गदूत ने किस बात का सूचना दिया? I want you to read that. मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़ें. So let us turn to the gospel according to Saint Luke. So आइए अपने बाइबल को खोले लू का रचित सुसमाचार. I have to close in 10-15 minutes. और मैं चाहता हूँ कि 10-15 मिनट में मैं इसको समाप्त कर दूँ. Okay, the declaration was made by the angels. स्वर्गदूतों ने आके इस बात को का घोषणा किया. Which you read in the Gospel according to Saint Luke, chapter 2. जो कि आप पढ़ते हैं लू का रचित सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय. Reading from verse 8. आठवें पद से हम पढ़ेंगे. Till 14. 14 आयत तक. Who found it in Hindi? You read it. और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका. ओके. और वे बहुत डर गए. तब स्वर्गदूत ने उससे कहा. नाउ स्वर्गदूत ने उनसे कहा. किसे कहा? ये गडरियों से कहा. क्या कहा? देखिए ना, सुनिए. मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. जन्मा हुआ. अगर हमारे संस्कृति के साथ अब के अनुसार वो क्या कहना चाहिए था? इनका मामा का नाम क्या है? यीशु के माता पिता के नाम क्या थे? मरियम और यूसुफ. ऐसा कहना था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं तो कहा. फिर सोचना ऐसे होना था. क्यों? इसका मतलब क्या है? किससे कह रहे हैं कि स्वर्गीय दूत तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ है? गडरिया से कह रहे हैं. इसका मतलब क्या है? गडरियों वेरी ऑर्डिनरी पीपल. बहुत साधारण लोग थे.
poor people, और निर्धन लोग थे, insignificant people, और ऐसे लोग जिनका ज्यादा समाज में कोई मूल्य नहीं, they were everyday people, और रोज के लोग थे, they were not rich people, और बहुत धनी लोग नहीं not थे, not educated people, ज्यादा शिक्षित लोग नहीं थे, they were not staying in a palace, और कोई बड़े महल में नहीं रहते थे, not even in a पक्का house, और कोई पक्का घर में भी नहीं, where were they? वे कहाँ रहते थे? They were out in the field, मैदानों में रहते थे, where the sheep were, और जहाँ भेड़ बकरियाँ थे, they slept where the sheep would sleep, और जहाँ बकरी सोते थे वहीं सोते थे, all right, सही बात, ordinary people, साधारण लोग, laborers, और जो कार्य करते थे, to them the angel said, और ऐसे लोगों को स्वर्गदूत आकर कहा, hallelujah, hallelujah, hallelujah. To you is तुम्हारे born. लिए पैदा हुआ है, not to Maryam and Yusuf, Yusuf और मरियम के लिए नहीं, Jesus Christ is everyone's savior, क्योंकि यीशु मसीह हरेक का उद्धार करता है, he is my savior, वो मेरा उद्धार he is करता your है, savior, वो आपका उद्धार he is करता Lucknow है, savior, और लखनऊ का उद्धार he is the करता savior है, of India, और भारत का उद्धार करता है, hallelujah, hallelujah, he is the savior of no matter what religion, what culture, what language, what color you have, और चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, कोई भी गोत्र हो, वो कोई भी रंग हो. So one more verse we will read. So एक और पद हम पढ़ेंगे. So यीशु मसीह किन के लिए पैदा हुआ? हम सब के लिए. मेरे लिए. Hallelujah. Oh, this is not a wonderful, glorious thing. क्या ये अद्भुत बात नहीं है? आपके लिए, मेरे लिए. मेरे लिए पैदा हुआ. परमेश्वर पिता ने उनको मेरे लिए इस दुनिया में भेजा. सो वन मोर वर्स विल रीड. एक और पद हम पढ़ेंगे. द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 3:16. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. एक परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया. Who is this God? ये परमेश्वर कौन है? It say for God so loved. क्योंकि ये परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया. Who is this God? ये परमेश्वर कौन है? What is he? वो क्या है? There is only one Creator God. सिर्फ एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है. He is eternal. वो अनंत काल का है. He is holy. वो पवित्र है. He is almighty. वो सर्वशक्तिमान है. He is the very source and founder of wisdom, knowledge and understanding. और बुद्धि, ज्ञान और समझ का स्रोत है वो. He alone is worthy. और वो ही योग्य परमेश्वर है. He created man. और उन्हीं ने मनुष्य का सृष्टि किया और स्त्री का सृष्टि किया. एंड फ्रॉम दैट मैन एंड वुमन द एंटायर ह्यूमन रेस वाज और उस पुरुष और स्त्री से सारे मानव जाति का उत्पन्न हुआ. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही इज द गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी. वो पूरे मानव जाति का परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. देयर इज नो अदर God, there is no other savior. और कोई परमेश्वर नहीं है और कोई उद्धार करता नहीं है. That is the truth. यही सत्य है. That's what the truth that this Bible reveals. और इसी सत्य को ये बाइबल सिखाती For है. For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया. When he created man. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. Man was perfect. मनुष्य सिद्ध था. There was no sin in him. कोई पाप नहीं था. No evil in him. कोई दुष्टता नहीं था.
And then he created a woman. और तब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया. This woman was taken out of man. ये स्त्री को पुरुष से निकाला गया. Hallelujah. Hallelujah. And from them, the human race began. और उस पहले पुरुष और स्त्री से पूरा मानव जाति आ गया. What was God's purpose? परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? That through them, कि इनके द्वारा, the earth must be populated by human race. ये पृथ्वी जो है भर जाए लोगों से. Oh, marvelous God! कितना अद्भुत परमेश्वर. But you know, the devil didn't like it. लेकिन शैतान को ये बात पसंद नहीं आया. That God was caring for this both man and woman. कि परमेश्वर दोनों पुरुष और स्त्री का चिंता करता था. And God was trying to fulfill His plan and purpose. और परमेश्वर अपने योजना को पूरा कर रहा है. What was God's plan? परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? For man and woman live in a relationship with this God forever and ever. कि पुरुष और स्त्री दोनों परमेश्वर के संग एक रिश्ता को बना के हमेशा के ले जिए. And the devil didn't like it. लेकिन शैतान को ये बात पसंद ना हुआ. So he was looking for an opportunity to thwart the plan of God. So वो मौके को ढूंढ रहा था कि परमेश्वर के योजना को बिगाड़े. So he came into that garden. So इसलिए उस बगीचे में वो आए. And tempted the woman. और उस स्त्री के पास उसको परीक्षा में डाला. Man was not at that particular moment. Man was maybe little distant. और उस समय पुरुष जो था वो उधर नहीं था. What is the devil's target when he wants to attack a man or a woman? और जब शैतान किसी पुरुष या स्त्री के ऊपर हमला करना चाहते हैं उसका योजना क्या है? Your mind. आपका मन. सबसे पहले मन के ऊपर हमला करता है. If the devil can capture your mind. अगर शैतान जो है आपके मन के ऊपर हावी हो सकता है. He won. तो फिर वो जीत गया है. And in order to do that. और ये काम करने के लिए. How did he appear? वो कैसे आया उनके सामने? We all have a picture of devil. और हम सबके मन में एक चित्र है शैतान का. What is that picture? और वो चित्र क्या है? A काला काला devil. एक काला सा शैतान. With a long tail. एक लंबा पूंछ है. And a horrible face. और एक भयानक सा चेहरा. That's what we picture. और हम ऐसे ही चित्र बनाते हैं अपने मन में. The devil doesn't come to tempt you in that way. लेकिन शैतान आपके सामने ऐसा नहीं आएगा. If he wants to tempt a man. अगर वो किसी पुरुष का परीक्षा लेना चाहता है. And make him fall. और उसको गिराना चाहता है. From the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से. You know how he comes? वो कैसे आएगा? He comes in the form of a beautiful girl. एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आएगा. मैन को गिरा देते हैं. और पुरुष को गिरा देते हैं. So young people. So जवान लोग. Be watchful. बहुत सचेत रहें. Whose idea is marriage? विवाह का विचार कहां से आया? यहोवा का. So when your time comes. So जब आपका समय आएगा. You start praying now on. आप अभी से प्रार्थना करने चालू कर दे. And when time comes. और जब वो समय आएगा. He will provide you someone who is suitable for you. परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा उस सही व्यक्ति को. You will be happy with that person. आप उस व्यक्ति के संग फिर हमेशा के लिए खुश रहेंगे. Hallelujah. Hallelujah. So, you know that is a, when someone is in love with each other, what do we call the expression? और जब एक लड़का और लड़की बहुत प्रेम करते हैं हम क्या कहते हैं? I have fallen in love. कि हम प्रेम में गिर गए हैं. ये बहुत जरूरी सच्चा है. सचमुच में वह गिर जाता है. इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग ही विल गिर जाते हैं. एंड दोनों इकट्ठा गिर जाते हैं. एक्सप्रेशन ऑल्सो इज वेरी नाइस. प्यार में अंधे हो जाते. सूटेबल. Blind in love. प्यार. And then they say, love is blind. फिर कहते हैं प्यार में अंधे हो जाते हैं. That also is true. ये भी सत्य है. Don't see the problems. हम उस व्यक्ति को जैसा है वैसे देखते नहीं हैं.
So don't become blind. और इसलिए अंधे ना बने. And don't fall. और गिरे नहीं. Be a man. एक पुरुष बने रहे. And be a woman. और एक सच्चे स्त्री बने रहे. As God made you. जिस प्रकार परमेश्वर ने चाहा है. Don't allow the world to play games on your mind. संसार को अनुमति ना दे कि आपके ऊपर वो खिलवाड़ करे. So the devil came to the woman. सो शैतान जो है उस स्त्री के पास आया टू कैप्चर द माइंड उसके मन को पकड़ने के लिए. व्हाट इज योर माइंड आपका मन क्या है. योर माइंड इज द कॉन्फ्रेंस रूम आपका मन जो है वो सभा का वो कॉन्फ्रेंस रूम है कमरा है. व्हाट हैपेंस इन अ कॉन्फ्रेंस रूम में क्या होता है. अ बिग कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी होता है. अडानी अंबानी टाटा ये सब का कॉन्फ्रेंस रूम होता है ना. और एक साल एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस होता है अपना कंपनी के डायरेक्टर्स एंड सब सारे डायरेक्टर्स को साथ मिलके एक कॉन्फ्रेंस होता है. दे रिव्यू देयर परफॉर्मेंस और वे अपने जो जो भी परफॉर्मेंस रहा है साल का उस पर चर्चा करते हैं. एंड पिछले साल उनको लॉस हो गया गेन हो गया जो कुछ है अगर लॉस हो गया कारण क्या है ये सब और सारे बातों को वो लोग बातें करते हैं विचार करते हैं. Mind is the center of all our decision making. So इसलिए ये मन जो है हमारे सारे निर्णय लेने का वो केंद्र है. And if that decision making goes wrong, और अगर वो निर्णय लेने का जो जगह है वो गलत हो जाए, our entire life will go. हमारा पूरा जीवन गलत हो जाएगा. That is the problem today. यही समस्या है आज के दिन. And that is the target of the devil. और शैतान जो है वहीं पर हमला करता है. And do you know the door or door to the to your mind? और आप जानते हैं आपके मन का जो द्वार है वो क्या है? Your ears. आपका कान. And your eyes. और आपके आँख. You read that in the gospel in the book of Genesis. और आप इस बात को उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं. When the devil came to tempt, और जब शैतान आया वो परीक्षा लेने के लिए, very sweetly he was talking to Eve. और बहुत मधुरता से वो हवा से बात कर रहे थे. And the first thing was, और पहली बात उन्होंने कहा, he would put doubt in your mind. आपके मन में वो शक को लाएगा. And the best way to put doubt is to ask question. और सबसे बढ़िया तरीका है शक को पैदा करने के लिए कि आप सवाल करें. So the first question he asked was, so पहला सवाल शैतान ने पूछा, What did God say tell you? परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? And Eve said, और हवा ने कहा, God told us you can eat the fruit of all the trees except one tree. परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे पेड़ों में से जो भी फल है उसको खा सकते हो सिर्फ एक पेड़ है उसका फल नहीं खा सकते. Standing in the middle of the garden. और वो उस बगीचे के बिल्कुल मध्य में था. Is the tree of recognizing the good and evil. और वो पेड़ जो है वो अच्छे और बुरे के बीच में उसका ज्ञान जो है वो उसका फल था. So God told us not to eat. So परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को ना खाओ. And what will happen if you eat? अच्छा क्या होगा अगर इसे खाएंगे? परमेश्वर ने कहा the day you eat you will die. परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे. नहीं ये परमेश्वर जो है ये आप सोचते हैं बहुत अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है. क्यों? द डे यू ईट जब तुम ये से खाओगे वो आप मर नहीं जाएंगे. परमेश्वर को जानते हैं कि द डे यू ईट यू शैल बिकम लाइक गॉड. शैतान कहता है कि जिस दिन तुम फल को खाओगे मरोगे नहीं तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे. That God does not want. और वो परमेश्वर नहीं चाहते हैं. He is jealous of you. वो तुमसे जलन रखता है. He does not want you to become like him. वो नहीं चाहते हैं कि आप उसके समान बनो. See, reasoning.
ऐसे शक को पैदा करता है. सो इफ यू ईट दिस टुडे, सो इसलिए आज अगर तुम इस फल को खाओगी, योर आईज विल बी ओपन, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, एंड यू विल बी लाइक गॉड, और तुम परमेश्वर बन जाओगे. हु इज टेलिंग दिस? कौन कह रहा है इस बात को? कौन कह रहा है? शैतान. ये शैतान को, शैतान कौन था पहले? लूसीफर. लूसीफर कौन था? इसका पोजीशन परमेश्वर का एक स्वर्ग दूत था, स्वर्ग दूतों का लीडर था वो, समझ गया? वो इतना सुंदरता में बनाया गया ये दूत लूसीफर, वो न सिर्फ लीडर लेकिन परमेश्वर के सबसे नजदीक रहने वाला दूत था वो. वो कैसे डेवल हो गया? कमंड आके क्या सोचा उन्होंने? ही बिगैन टू थिंक, अरे देखो मैं परमेश्वर का नजदीक है, क्यों कि क्यों ना मैं खुद परमेश्वर का बराबर बन जाए. ऐसे सोचने लगा. न देन इज थॉट, न सिर्फ परमेश्वर का बराबर, कुछ दिनों के बाद मैं अपना सिंहासन को उठा के जहां परमेश्वर पिता जो पवित्र है वो बैठे, इसके ऊपर जाएंगे. I warn you, my brothers and sisters. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ. What happened to him? उसके साथ क्या हुआ? न सिर्फ वो ऊपर नहीं जा सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, लेकिन उनको स्वर्ग से पटा दिया. He fell very badly. और उसको गिराया गया स्वर्ग से. And he became the devil. और फिर वो शैतान बन गया. Now when he was kicked out of heaven, और जब उसको स्वर्ग से निकाला गया, he had so much influence, और उसके साथ उसके पास इतना प्रभाव था, among other angels, दूसरे स्वर्गदूतों के बीच में, he drew 1/3 of angelic force. कि उन स्वर्गदूतों में से एक तिहाई स्वर्गदूत, एंड टुगेदर दे फेल, उनको साथ लेकर वो गिरा नीचे. इट इज दिस फॉलन एंजल्स हु रोम अराउंड टुडे इन द वर्ल्ड एज डीमंस. और ये उनके साथ जो गिराए गए जो स्वर्गदूत है, उनको आज हम जानते हैं वो दुष्ट आत्माएं हैं जो इधर उधर घूमते हैं. Demons that get into people. और ये दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों के अंदर जाते हैं. And when a demon, when your person is demon possessed, और जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है, he behaves like a demon. वो शैतान के तरह व्यवहार करता है. He speaks like demon. और दुष्ट आत्मा के तरह वो बोलता है. He doesn't speak decent language. और अच्छे बातों को नहीं बोलता है. He will shout, scream. और चिल्लाएगा. And frighten people. लोगों को डराएगा. How many of you have seen demon possessed people? आप में से कितने लोग देखे हैं ऐसे लोगों को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं? Yeah, some of you have seen. कुछ लोगों ने देखा है. How they? और कैसे वो करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो डीमन से डरते हैं. तो वो तमाम प्रकार की ये सब दिखाते हैं और ये सब हरकतें करते हैं. आजकल देखिए अच्छे अच्छे लोग परमेश्वर को इंकार करने वाले, वो भी कैसे बिहेव करते हैं? इसी तरह बिहेव करते हैं. पीते हैं, पी के क्या क्या मुंह से आता है परमेश्वर को जाना. नॉर्मल टॉक दे विल नॉट डू, नॉर्मल एक्शंस दे विल नॉट डू. दे स्टार्ट बीटिंग वाइफ एंड किकिंग एवरीथिंग एंड ब्रेकिंग ऑल द बर्तन्स. और साधारण बातें, अच्छे बातें नहीं बोलते हैं लेकिन झगड़ा करते हैं और सारे बर्तनों को फेंकते हैं और बहुत बुरे हरकतें करते हैं. इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, ऑल द बर्तन्स वर मेड ऑफ मिट्टी.
clay. और सारे बर्तन जो है वो मिट्टी के बनाए जाते थे. क्ले पॉट में राइस बनाते हैं और उसी में हम चावल पकाते थे. क्ले पॉट में मीट बनाते हैं और जो मांस है वो बनाते थे. मछली बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब कुछ क्ले पॉट में. जितना टेस्ट वो है अभी आजकल नहीं मिलता. और उसमें जो स्वाद मिलता है वो आजकल के बर्तनों में नहीं मिलता है. दैट इज नेचुरल टेस्ट, गॉड मेड इट. और ये स्वाभाविक स्वाद जो आता है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया. सो एक दिन एक सिस्टर वॉज टॉकिंग टू अ नेबर सिस्टर. और एक दिन एक बहन जो है अपने पड़ोसी से बात कर रही थी. एंड बात करते करते घर में क्या क्या होता है वो उसके बारे में बताते हैं. सो विद दिस वन सिस्टर सेड, यू नो वी cook food every day in new bartan. और ये बहन बोलने लगी कि प्रतिदिन हम नए नए बर्तन में खाना बनाते हैं. अरे तुम इतना अमीर हो क्या, रोज तुम बर्तन खरीदते हैं. अरे उन्होंने कहा हाँ, और ये पुराना बर्तन क्या करते हैं तुम. अरे ये पुराना बर्तन है नहीं है, पति पी के आकर पूरा बर्तन उठा. सो कल के लिए नया बर्तन खरीदना पड़े. Whose work is this? और ये सब किसका काम है? That's what the devil does. शेही शैतान करता है. How many families are broken? और कितने परिवार नाश हो गए हैं? Why? क्यों? The desire to be like God. परमेश्वर के तरह बनना वो जो इच्छा है. जो कुछ पास्टर सामी ने पढ़ा फ्रॉम न्यूज़पेपर से और जो कुछ भी पास्टर सामी ने आज की सुबह बताया अखबार से, ये लोग क्या करना चाहते हैं. दे लाइक टू बी लाइक गॉड. वो परमेश्वर के तरह परमेश्वर बनना चाहते हैं. दे आर प्लेइंग गॉड. और परमेश्वर बनना चाहते हैं वो. डू यू थिंक दे विल सक्सीड? क्या आप सोचते हैं कि वो सफल हो जाएंगे? आई डाउट वेरी मच. मुझे the moment the devil wanted to be like God and Lucifer wanted to be like God and then go little few feet higher than God, he was cast out of heaven. और जिस समय लूसीफर को लगा कि वो परमेश्वर के बराबरी करना चाहते हैं या उससे ऊपर जाना चाहते हैं, उस समय उसको गिराया गया. He lost his position. और उसको अपना पदवी गवाना पड़ा. He lost his beauty. और अपना सुंदरता को गवाना पड़ा. He was a special creation. वो एक विशेष एक सृष्टि था. By the movement of his body, और जब भी वो चलता था, he could produce the sound of all kinds of musical instruments. हर प्रकार के संगीत उसके शरीर से निकलता था. So he was the leader choir master there in there. और इसलिए वो वहां का choir master भी था. That's why. और इसलिए टुडे द डेविल इज यूजिंग द सेम म्यूजिकल टैलेंट. और शैतान जो है इसी संगीत का जो जो तोड़ है वो इस्तेमाल कर रहा है. डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ यंग पीपल. कि जवानों का ध्यान को केंद्रित करे अपनी ओर. एंड किल देम. और फिर अंत में उसको नाश कर दे. द रॉक म्यूजिक. जितना भी रॉक म्यूजिक dozens and dozens of groups. और हर प्रकार के ऐसे ग्रुप है, म्यूजिक ग्रुप्स है. their music. और अपने संगीत के द्वारा thousands and thousands of young people have lost their life. हजारों हजारों जवानों ने अपने जीवन को गवा दिया है. Be mindful of what music you listen. और सचेत रहे कि आप किस प्रकार के संगीत को सुनते हैं. Today is what is happening. आज क्या हो रहा है? Instead of the church going into the world and influencing the world, bajaye iske ki kalisiya sansar mein jaakar sansar ko prabhavit kare, they are bringing the world inside the church. और लोग जो है संसार को कलीसिया के अंदर ला रहे हैं. द म्यूजिक स्टाइल. और जितना भी संगीत का तरीका and है. द वे दे सिंग इट. जिस प्रकार वो गा रहे हैं. एवरीथिंग इज वर्ल्डली. और हर एक चीज जो है अब संसारिक हो we गया है. वी नीड टू बी केयरफुल. हमें बहुत सचेत रहना Then है. देन द क्वेश्चन इज. फिर सवाल ये उठता God है. गॉड सेड द डे यू ईट यू शैल डाई. और उन्होंने कहा जिस दिन तुम खाओगे तुम मरोगी. डिड एडम एंड ईव डाई?
क्या आदम और हवा मरे उस फल को खाने के बाद? Not physically. शारीरिक रूप से तो नहीं. But in fact they died. लेकिन वो मर गए. It is from that moment death entered into humanity. और उसी पल से, उसी समय से मृत्यु जो है मनुष्य के शरीर में आ गया. God created man for eternity. परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत काल के लिए बनाया था. And man's life was the very breath of God. और मनुष्य का जीवन जो है वो परमेश्वर का सांस था. And God's purpose was for man to live forever. और परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य जो है वो हमेशा के लिए जिए. It was that eternity that is dead in man. और वो अनंत काल का जो जीवन जो है वो मर गया मनुष्य में. Hallelujah. What a sad event. और कितना दुख की बात है. Adam and Eve not only lost their standing before God. आदम और हवा ने न सिर्फ अपने पदवी को परमेश्वर के सामने गवा दिया. From that day. लेकिन उस दिन से लेकर. Eternity is dead. वो अनंत काल का जीवन भी मर गया. Which lead us to physical death. और जिसके कारण आज हम शारीरिक रूप से मरते हैं. Why did Jesus come? लेकिन फिर यीशु मसीह क्यों आए? God the Father. परमेश्वर पिता. He so loved the world. पर मनुष्य से इतना प्रेम किया. He does not want any human being to be lost eternally in hell. वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य अनंत काल के लिए वो अनंत काल के नरक में नाश हो जाए. But to be reconciled to God. लेकिन परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हो जाए. God must forgive humanity. और फिर परमेश्वर को मनुष्य को क्षमा करना है. Because everything that we break the law. क्योंकि हर एक व्यवस्था को जो हम तोड़ते हैं. एनी रॉन्ग थिंग वी डू. और कोई भी गलत काम जो हम करते हैं. इट इज ब्रेकिंग गॉड्स लॉ. ये परमेश्वर के व्यवस्था को हम तोड़ रहे हैं. वी नीड फॉरगिवनेस फ्रॉम. हमें क्षमा की आवश्यकता है. फॉर दैट. उसके लिए. गॉड हैज अ लॉ. परमेश्वर का एक व्यवस्था है. Without shedding of blood, बिना लहू बहाए, there is no remission of sin. पापों का प्रायश्चित नहीं है. What kind of blood? किस प्रकार का लहू? Not animals' blood. जानवरों का लहू नहीं. Animals' blood used to be shed in the Old Testament. जानवरों का लहू वो पुराने नियम में बहाया जाता था. But that was a shadow. लेकिन वो सिर्फ एक परछाई था. A type of a one and only sacrifice of the Son of God, Jesus Christ. वो सिर्फ एक परछाई था, वो सच्चे जो बलिदान जो यीशु मसीह बाद में आया. So when Jesus was born. और जब यीशु मसीह पैदा हुए. He was never called the son of Joseph. और उसको कभी भी यूसुफ का बेटा नहीं कहलाया गया. But the message of angels said. लेकिन स्वर्गदूता का संदेश इस बात को कहा. Unto you. तुम्हारे लिए. To humanity. मानव जाति के लिए. Hallelujah. Hallelujah. A savior is born. एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है. Every member of human race. और मानव जाति का हर एक सदस्य. Not Christian. सिर्फ ईसाई नहीं. When Jesus was born, there was no Christian. और जब यीशु मसीह पैदा हुए कोई ईसाई नहीं थे. So this God is not a Christian God. So ये परमेश्वर सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है. He is the one true eternal creator. वो एक सच्चा अनंत काल का परमेश्वर है. Worthy of our worship and praise. हमारे आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर है. And it is from this God humanity is separated. और इसी परमेश्वर से मानव जाति को जीवन मिलता है. By the coming of Jesus. और यीशु मसीह के आगमन से. There is a hope of salvation. उद्धार का एक आशा है. He went to the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर गए. He spread his arms. अपने बाहों को फैलाया. He spread his entire body. और अपने शरीर को दिया. The blood started oozing out of different parts of his body. और वो लहू जो है यीशु मसीह के शरीर के हर जगह से बहने लगा. That's why he took the form of a man. और इसीलिए यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया. God is a spirit. परमेश्वर एक आत्मा है. Spirit has no form. वो आत्मा का कोई रूप नहीं. But this spirit God. लेकिन ये आत्मा जो परमेश्वर है. Entered into the womb of a woman. एक स्त्री के कोख में आ गया. And took upon himself. A human being. और अपने ऊपर उस मनुष्य का रूप धारण किया. Why? क्यों? The blood must be shed. वो लहू को बहाना था.
And the blood is in the body. और वो लहू जो है वो शरीर में है. That's why he said. और इसलिए उसने कहा. In the Lord's Supper. उस ऊपरी कोठरी में उस अंतिम भोज में. When we drink the wine. और जब उस धाक रस को पीते हैं. He said, "This is my blood." यीशु ने कहा, ये मेरा लहू है जो मैंने बहाया. Symbolically, we are drinking the blood of Christ by drinking that. और चिन्ह के रूप में हम उस यीशु के लहू को पीते हैं जब हम उस धाक रस को पीते हैं. And when he broke the bread, he said, और जब यीशु ने रोटी को तोड़ा. This is my body. ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है. Eat. इसको खाओ. Hallelujah. Hallelujah. By participating the life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन में हिस्सा लेने के द्वारा. We are saved. हम उद्धार पाते हैं. We are changed. हम बदल जाते हैं. Our sins are cleansed. हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं. We are forgiven. हम क्षमा पाते हैं. When we come to him in repentance. और जब हम पश्चाताप में परमेश्वर के सामने आते हैं. There is a savior. एक उद्धार करता है. He is ready to save you. वो तैयार है आपको उद्धार देने के लिए. Hallelujah. He is ready to forgive you. वो तैयार है आपको क्षमा करने के लिए. Come in humility. और नम्रता के साथ. We are not changing any dharam. हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं. No use. कोई फायदा नहीं है. No matter where which dharam you go. चाहे कोई भी धर्म आप चले जाएं, including Christian धर्म, और इसमें ईसाई धर्म भी शामिल है. There is sin. वहाँ पाप पाया जाता है. He did not come to found a religion. यीशु मसीह किसी धर्म का स्थापना करने नहीं आए. This is a message our India must understand. और यही संदेश को हमारे भारत देशवासियों को समझना है. This is acknowledging one true holy God. हम एक सच्चे जीवित परमेश्वर को मानते हैं. He is the creator. वो ही सृष्टि करता है. He has a plan for you. और उसके पास एक योजना है आपके लिए. He wants to restore to you eternity. और वो आपको अनंत काल वापस आपको देना चाहते हैं. That happens when Jesus Christ, the eternal Son of God, comes into your heart. और जब वो अनंत काल का यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं. For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. That He gave His one and only begotten Son. कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया. That whoever believes. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे. इंडियन हो, चाइनीज हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, कोई लोग. चाहे वो भारतीय देश का हो या रूस का हो या चीन का हो या अमरीकी हो. Christian, Protestant, Catholics, Hindus, Buddhists, and Islam, anyone. चाहे मसीह हो, कैथोलिक्स हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो. He is the savior of mankind. वो ही उद्धार करता है मनुष्य का. He is the people's God. वो लोगों का परमेश्वर है. He is your God. वो आपका परमेश्वर है. He is my God. वो मेरा परमेश्वर है. He is Indians' God. वो भारतीयों का परमेश्वर है. He is Americans' God. अमेरिकियों का परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. No matter who or what you are. चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो. Jesus Christ is the one and only savior. यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है. This is the truth of Christmas. और यही क्रिसमस का सच्चाई है. So what is Christmas? क्रिसमस क्या है? Christmas is Christ. ये मसीह है. Cake has nothing to do with this. और क्रिसमस से केक का कोई मतलब नहीं है. Santa Claus is a myth. और Santa Claus जो है वो शैतान की ओर से. It has nothing to do with Christmas. और क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है. Okay. What else you do for Christmas? So if we don't make any cake, you are not missing anything. So अगर कोई केक नहीं बनाते हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे. We spend all day in the bakery. और पूरा दिन हम बेकरी में बिता देते हैं. एक घंटा चर्च में बैठना इतना मुश्किल है. लेकिन क्रिश्चियन लोग पूरा रात वहां खड़े हैं. Don't make the mistake. ये गलती कभी ना करें. I am not saying you should not eat. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केक ना बनाएं. No, don't eat cake. ना केक ना खाएं. Eat. आप खाएं. Go and buy some from them. आप जाकर खरीद लें. Instead of wasting time. अपने पूरे समय को बर्बाद करने के बजाय. जी, Christmas is Christ. क्रिसमस जो है वो मसीह है.
Hallelujah. Hallelujah. It is time to gather together and sing of his greatness. Oh yes, wo samay hai ki hum ek sath ikatthe hokar parmeshwar ke mahanta ke vishay mein geeton ko gaaye. Worship him. Uski aaradhna kare. Let us all stand. Aaiye hum sab khade ho jaye. Joyfully let us worship. Anand ke sath hum aaradhna kare. Oh, let us thank God. Parmeshwar ko dhanyawad de. Lift up our hands. Aaiye apne haathon ko uthaye. Say thank you Jesus. Aur kahe dhanyawad Yeshu. You came down from heaven. आप स्वर्ग से उतरा है For my sake, मेरे खातिर you took upon yourself this human body, आपने अपने ऊपर मनुष्य का रूप धारण किया and on the cross, और उस क्रूस के ऊपर you broke your body, आपने अपने देह को तोड़ you दिया shed your blood, आपने अपने लहू को बहाया by your blood, और आपके लहू के द्वारा we are redeemed, हम उद्धार पाते हैं we are saved, हम उद्धार पाते हैं we are forgiven, हम क्षमा पाते हैं we are cleansed, हम शुद्ध हो जाते हैं we are made Your children. हम आपके संतान बनाए जाते Lord, हैं. I bless your name. प्रभु हम आपके नाम को आशीषित करते हैं. Shall we raise our voices and आइए अपने आवाजों को उठाकर हम परमेश्वर को स्तुति करें. Amen. Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 Hallelujah. If you do not know this Savior, अगर आप इस उद्धार को नहीं जानते हैं, we are not asking anybody to change your religion. हम किसी को नहीं बोलते हैं अपने धर्म को बदलो. Oh yeah, we are only telling you the truth. हम सिर्फ आपको सत्य बताते हैं. There is one God. कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है. This God loves you so much. और ये परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. That he sent a part of himself. कि उसने अपने एक हिस्से को भेजा He was known as the word. और उसको वचन कहलाया गया And the word became flesh. और वो वचन वो मनुष्य शरीर बन गया Why? क्यों Because blood must be shed. क्योंकि लहू को बहाना था By that blood. और उस लहू के द्वारा Your dark life is cleansed. आपका अंधकार काला जीवन जो है वो शुद्ध किया जाता है During this Christmas, और इस क्रिसमस में I pray that you will allow this Jesus to be born in your heart like Jesus the baby born. मेरी प्रार्थना यही है कि यीशु मसीह आप अनुमति देंगे कि यीशु मसीह आपके हृदय में पैदा हो जाए जिस प्रकार उस यरूशलम में वो पैदा हुआ. How many of you will say today? आप में से कितने लोग आज कहेंगे? Lord, I surrender myself to you. प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ आपके सामने. I am not changing my religion. मैं अपने धर्म को नहीं बदलता हूँ. I am not accepting another God. मैं किसी और परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता हूँ. I am simply surrendering my life to the one and only true God. मैं सिर्फ अपने जीवन को उस सच्चे परमेश्वर के सामने समर्पित करता हूँ. Who is the way, the truth, and the life? जो सिर्फ एकमात्र मार्ग, जीवन और सत्य है. Hallelujah. Hallelujah. Purabashia. Let the Lord come to live. In you. होने पाए ये प्रभु आपके हृदय में आकर वास करने पाए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. मांगते हैं आमीन हालेलुया